हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान और आज आप मेरे पीछे देख रहे हो XUV300। ये इसका W8 वेरिएंट है और इसकी हो रही थी सेरामिक कोटिंग। तो जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या रहता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन वर्क। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी हम हैं डिटेलिंग गैरेज जम्मू में। यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगी। अब जैसे हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो गए इस बारे में कि कोटिंग करवा लेते हैं या PPF करवा लेते हैं, जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जिसको बोलते हैं। तो ये आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अब अपनी इंडियन कंडीशंस ऐसी है, यहाँ पे डस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कोटिंग और PPF वगैरह ये सब काम करवाते हैं। आज स्पेसिफिकली जानेंगे सेरेमिक कोटिंग के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है इसका और कितने चार्जेस आपको लगते हैं ये सब काम करवाने में। और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि अगर हम चाहें कि कुछ पार्ट्स में सेरेमिक कोटिंग करवाएं जहां हमको पता है कि यार ज़्यादा हमारा है वेयर एंड टीयर, तो सिर्फ क्या उस पार्ट में भी करवा सकते हैं? जैसे आप कोई नई गाड़ी लेते हैं तो पहले उसका पेंट बहुत ही शाइन करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ करते हो, कई बार हम उसको वॉशिंग करवाते हैं, कई बार गीला कपड़ा मारते हैं या कई बार ऐसे ही डस्टिंग कर लेते हैं बिल्कुल ड्राई क्लोथ से, तो उससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर डस्ट पड़ी होती है उसके सॉइल मार्क्स वहाँ पे पड़ जाते हैं। और आप अगर गौर से देखोगे धूप में तो वो सर्कल जैसे निशान आपको वहाँ उस गाड़ी के बोनेट पे, डोर हैंडल्स पे और ऐसी जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। और देखते हैं कि कैसे आप अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट की आपने 10-15 लाख की, मे बी 20-25 लाख। तो जानते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में इनके ओनर के साथ। तो अभी है हमारे सामने डिटेलिंग गैरेज के ओनर, तो बात करते हैं इनके साथ और जानते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम डिटेलिंग गैरेज। वी बेसिकली डील्स इन सिरामिक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, ग्राफीन कोटिंग एंड मेनी मोर। पहले क्या होता था, जम्मू के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती थी, अब आपको बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से देखने को मिलेंगी। तो मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करा दूँ कि जम्मू में ये पहला ऐसा आपको प्लेस मिल जाएगी जहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। आप सेरेमिक की बात कर लो, ग्राफीन की बात कर लो या PPF की बात कर लो, तो हर एक चीज़ में आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिलेंगी। आपके प्राइस ब्रैकेट में वो आ रहा है नहीं आ रहा है उसके हिसाब से ये करके देते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। बाकी इनसे पूछते हैं, सबसे पहले भैया आप बता दो आप कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें करते हो यहाँ पे? जैसे एक आपने सेरेमिक कोटिंग बता दिया, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों में आप डील करते हो? हम यहाँ पे सेरेमिक कोटिंग में डील कर रहे हैं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स हैं, ग्राफीन कोटिंग है जो एक एडवांस वर्जन है, आपको वहाँ पे एक अलग से वीडियो मिलेगी उसके लिए। वी विल कोशिश करेंगे कि हमें एक अलग वीडियो दिखा सकें हम उसके ऊपर ग्राफीन के लिए। PPF इज़ अ ट्रांसपेरेंट फिल्म जो गाड़ी के ऊपर चढ़ाई जाती है। लेट अस सपोज कि हम इस गाड़ी की बात करते हैं, ये 6 दिन पुरानी गाड़ी है, पर 6 दिन पुरानी होने के कारण भी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस पड़े हैं। हमारे जम्मू में क्या है कि पार्किंग के लिए स्पेसिस बहुत कम है, तो गाड़ियाँ इवन रोड साइड पार्क होती हैं, तो रोड साइड पार्क होने के कारण डॉग्स इवन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उनके जो नेल्स के निशान हैं वो गाड़ी के ऊपर पड़ जाते हैं जिसके कारण स्क्रैच बहुत डीप चले जाते हैं। तो इसीलिए एक चीज़ कहा जाता है कि गाड़ी के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स करा लेनी चाहिए, सो दैट कि गाड़ी की भी शाइन मेंटेन रहे और जब आप रीसेल करोगे गाड़ी की ऑटोमेटिकली रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो एक यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ जो हमने नोटिस की, जो इन भैया ने भी बताई है, कि गाड़ी अगर आप बाहर पार्क कर रहे हो तो कैट्स एंड डॉग्स हमारी गाड़ी पे चढ़ते हैं। इवन जब गाड़ी मेरे घर में भी पार्क होती है, गाड़ी घर के अंदर पार्क होती है, फिर भी बहुत बारी कैट्स के जो पैर के निशान होते हैं गाड़ी पे पड़ जाते हैं और नेल्स वगैरह के स्क्रैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस बात से आप सब लोग एग्री करोगे क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। तो आज हम स्पेसिफिकली जानेंगे इस गाड़ी में सेरेमिक कोटिंग का क्या प्रोसेस रहा है, कैसे की है। और भैया आप पहले बता दो, जो आप यहाँ पे प्रोसेस करते हो तो कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते हो, और आप तो आपको सब ये जो कर रहे हो ये सब खुद भी करना आता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी काम करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आई शेल ऑलवेज रिकमेंड कि जिस भी बंदे को जो भी काम में डील कर रहा हो उसको खुद आना चाहिए। तो पर्सनली आई एम ऑल्सो ट्रेंड, जो हमारे पास स्टाफ है दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंड, तो हम पिछले लास्ट 1.5 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब एक सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ये 7 दिन पुरानी गाड़ी है, अभी किसी ने बाइक की और आपके पास ला के यहाँ पे लगा दी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, कुछ मेरे जैसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो कोई 6 महीने बाद या 1 साल में जिनको बाद में पता चला या जिनको इंटरेस्ट बाद में जागा कि नहीं मेरी गाड़ी में डैमेज हो रहा है तो मुझे ये चीज़ करानी चाहिए, तो क्या फ़र्क आएगा जो पहले दिन गाड़ी लेके आएगा और जो 6-8 महीने या साल के बाद गाड़ी लेके आएगा, उस प्रोसेस में क्या फ़र्क रहेगा? नेचुरली फ़र्क तो आएगा गाड़ी के ऊपर। एग्जैक्टली क्या होता है कि
एक जब गाड़ी पेंट बूथ के अंदर OEM फिनिश के अंदर पेंट होती है तो गाड़ी के ऊपर क्लियर कोट जो होता है वो पेंट डैमेज जब आप रेगुलरली गाड़ी को यूज़ करोगे वो क्लियर कोट डैमेज होना शुरू हो जाता है। सेरेमिक एक एडवांस वर्जन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गाड़ी के पेंट को बचाता है, वो क्या करेगा अपनी खुद की एक परत बना लेगा क्लियर कोट के ऊपर। आप इस चीज़ को समझो कि जब भी जो गाड़ी नुकसान झेल रही है वो आपके क्लियर कोट झेल रहा है पेंट का, जब आपकी सेरेमिक हो गई तो जो नुकसान होगा जो भी कपड़े के स्विल मार्क्स आएंगे जो भी मतलब कुछ स्क्रैचेस पड़ेंगे आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर नहीं पड़ेंगे, वो उस सेरेमिक की लेयर पे पड़ेंगे और वो कल को निशान निकल भी जाते हैं अगर वो पेंट डैमेज नहीं किया होगा तो। ये चीज़ रहती है। और आप जैसे बोल रहे हो कि 6 महीने पुरानी है या 1 साल पुरानी, 6 महीने पुरानी हो या 1 साल पुरानी हो, इवन कि अगर 2-2 साल गाड़ियाँ कहीं पुरानी आती हैं हमारे पास, वो गाड़ियों को भी सिरामिक कराया जा सकता है। सिर्फ गाड़ी का पेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, गाड़ी सिरामिक हो जाती है, कोई भी गाड़ी सिरामिक हो सकती है। ठीक है, तो एक इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें इसको तो क्या होता है कि गाड़ी की जो एक ऊपर की लेयर होती है जो इसकी जो कलरिंग होती है उसके ऊपर ये एक और लेयर चढ़ा देते हैं, तो जो भी डैमेज या जो भी लॉस होता है वो उस ऊपर वाली लेयर पे होता है, जो उसकी ओरिजिनल जो कलर होता है उस पे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उसे बेचना भी चाहो एक तो आपकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरा आपकी गाड़ी की लाइफ और ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ से। अब सीधे स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोसेस आपने इस गाड़ी में किया है सेरेमिक डायरेक्ट उसके बारे में बात करते हैं। हम जब पहला स्टेप्स करेंगे क्लेइंग बोलते हैं जिसको हम स्टेप वन बोलते हैं, क्ले करने पे गाड़ी के पोर्स ओपन हो जाते हैं, मेटेलिक पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब हम फाइनल सेरेमिक वाला कोट चढ़ाएंगे जो सेरेमिक वहाँ से हम अप्लाई करेंगे वो इन पोर्स पे ही जाके बैठती है, तो सबसे पहले क्लेइंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गाड़ी की कंपाउंडिंग की जाती है, गाड़ी की कंडीशन देख के गाड़ी के ऊपर कितने स्विल मार्क्स हैं, कितना गाड़ी के ऊपर स्क्रैच रेजिस्टेंट गाड़ी है, उस हिसाब से गाड़ी की बफिंग और कंपाउंडिंग करके पॉलिशिंग करके देन गाड़ी के ऊपर IPA चढ़ा किया जाता है। IPA करने के बाद सिरामिक की लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस क्या है, जब भी आप गाड़ी लाओगे चाहे आप थोड़ी पुरानी लाओ या सीधे शोरूम से निकाल के यहाँ पे लेके आओ, तो ये सबसे पहले उसकी वॉशिंग करेंगे देन उसको ड्राई करेंगे, ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि इस पर क्लेइंग का एक प्रोसेस होता है वो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें कंपाउंडिंग की जाती है जिसमें जो भी इसके सॉइल मार्क्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं और काफ़ी एक स्मूथ लुक प्रोवाइड करता है वो। देन आफ्टर दैट क्या होता है कि हम इसमें पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग में क्या होता है कि जो आपकी ऊपर की जो लेयर होती है वो एकदम स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो आगे आप लास्ट का जो फाइनल प्रोसेस होता है सेरेमिक कोट का, तो वो इजीली आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। अब इसके बाद क्या होता है वो जानते हैं भाई से। जैसे कि कंपाउंडिंग पॉलिशिंग बफिंग होने के बाद गाड़ी के ऊपर IPA किया जाता है। IPA को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या करता है कि गाड़ी के ऊपर जो अभी तक जो हमने स्टेप्स किए हैं, लेट अस सपोज कि हमने 2 से 3 स्टेप्स किए, जो भी पेंट के ऊपर सरफेसेस बनी होंगी 2 to 3 microns 4 microns की लेयर जो बनी होगी, वो IPA उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने। जब हम IPA को वाइप आउट करेंगे गाड़ी से तो वो क्या करेगा कि पेंट और सिरामिक के बीच में खुद से एक परत बना देगा। जब सिरामिक हम अप्लाई करेंगे तो सिरामिक डायरेक्ट पेंट के ऊपर अप्लाई होगी, पेंट के साथ पकड़ बनाएगी सो दैट कि उसकी लाइफ लॉन्ग चले, लास्ट देर तक करे। इवन इस गाड़ी की बात करते हैं, ये हमारे पास 5 years पैकेज के लिए चाहिए हुई है। तो आपने एक पैकेज की बात की है ना, तो आपके क्या पैकेजेस रहते हैं, कि कौन कौन से पैकेजेस हैं जो आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? गाड़ी की प्राइजेस और जो गाड़ी की वेरिएशंस के हिसाब से होते हैं, जैसे हैचबैक से लेके SUV तक सभी के प्राइजेस अलग अलग होंगे। पैकेज 2 साल 5 साल एंड लाइफ 9 years का जो पैकेज है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ टाइम पैकेज। वो लाइफ टाइम उसमें हम 5 complimentary सर्विसेज फ्री देते हैं। 2 साल के पैकेजेस आपको 1 complimentary सर्विस फ्री मिलेगी, जो एक होगी वो आपको पेड करनी पड़ेगी। 5 years में आपको 3 complimentary सर्विसेज मिलेंगी और 2 आपको पेड मिलेंगी वहाँ। तो भैया अभी हमने गाड़ी की बॉडी की बात तो कर ली, लेकिन बात आ जाती है इसके अलॉय व्हील्स की, तो यहाँ पे मेरे को ये भी इसमें शाइनिंग अच्छी नज़र आ रही है, तो आप ये चीज़ भी इसमें कवर करते हो क्या? क्या होता है कि गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी कोट किए जाते हैं, इवन कि गाड़ी के ट्रिम्स भी कवर किए जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मोस्ट ऑफ द डिटेलर्स डू नॉट कवर दिस पार्ट। सो इसको कवर ना करने से क्या दिक्कत आती है कि जब आप मशीन यहाँ पर्टिकुलर पैनल पर चलाओगे सो मशीन इस पोर्शन पर भी चलने का डर रहता है। तो एक बार प्लास्टिक ट्रिम पे मशीन चल गई तो वो अपना निशान छोड़ जाएगी। सो हम प्रॉपर क्या करते हैं कि इस चीज़ को मास्क किया जाता है। मास्क करने का मतलब होता है कि इसको कवर कर देंगे हम,
सो दैट कि इसके ऊपर जो पर्टिकुलर मशीन चले इसके ऊपर ना डैमेज हो। तो इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ वो अपनी फ्रंट साइड्स की बॉडी या सिर्फ बोनेट पे अगर वो ये कोटिंग करवाना चाहे तो क्या वो भी पॉसिबल है? जैसे आपने पूछा कि इवन बोनेट और फ्रंट साइड, सो आइदर गो फॉर ग्राफीन और सिरामिक, इन दोनों में से किसी एक चीज़ पे जाने के अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इवन अगर गाड़ी डैमेज झेलती है, मोस्ट ऑफ दी कार डैमेज झेलती है बम्पर्स से, बम्पर्स ही गाड़ी के जाएंगे, बोनेट जाएगा, सो यू कैन गो फॉर इसेंशियल्स पार्ट PPF, ये आपका बम्पर बोनेट एंड पीछे वाला बम्पर आप इसका PPF ले सकते हो, बाकी गाड़ी आप सिरामिक जहाँ जिस भी ब्रैकेट के अंदर आपको बजट अलाउ करेगा वो आप चूज़ कर सकते। आप हमको वो भी बता दो कि कौन कौन से इंटीरियर्स के पार्ट आपने कवर किए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटीरियर पार्ट्स भी कवर किए जा सकते हैं। जैसे हम जो इस चीज़ में कवर करने वाले हैं वो आपके यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ये पियानो फिनिश में आता है, सो इस चीज़ को भी कोट किया जाता है, आपके स्टेयरिंग्स के लोगोस को कोट किया जाता है, ओडोमीटर के शीशे को कोट किया जाता है, विंडस्क्रीन के शीशे को कोट किया जाता है, सो दैट कि इसके ऊपर क्लैरिटी बनी रहे, मार्क्स ना पड़े, हाथ के निशान ना पड़े, सो इन चीज़ों को कोट करने से फ़ायदा बहुत सारा मिलता है। तो अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब जो गाड़ी के डोर हैंडल्स होते हैं यहाँ पे जब आप इनको ग्रैब करते हो कभी आपके हाथ में रिंग्स वगैरह लगी होती है या आपके नेल से ही इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो भैया इस पे आपने कोटिंग तो कर दी है तो अब आप इसको बता रहे थे कि यहाँ पे आप PPF की फिल्म भी चढ़ा देते हो सिर्फ इतने पोर्शन पे कि ये आपका डैमेज ना हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूँ, सो दैट कि इस अगर आप मोस्ट ऑफ दी कार पुरानी कार्स को 2 साल 2.5-3 साल पुरानी गाड़ी को नोटिस करोगे तो इस पोर्शन पे वो ज़्यादा डैमेज जल जाते हैं, गाड़ी के नाखून इंसान के नाखून के कारण बहुत सारे नेल्स के निशान पड़ जाते हैं, सो इन चीज़ों के ऊपर निशान ना पड़े तो इस चीज़ पे PPF चढ़ाई जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसेस एप्लीकेशन जो भी था हमने जान लिया, अब प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो इन सब में तो कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो इस गाड़ी के ऊपर? जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं दे आर ऑल OEMs रिकमेंडेड, मतलब जो बाहर कंपनी फिनिश रिकमेंडेड होते हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इटालियन है, मेड इन जर्मनी है, मेंजरना, रूपेज एंड मैनी मोर ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, ये ऑल मतलब गाड़ियों के ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, सो दैट कि गाड़ी जैसे BMW ऑडी मर्सिडीज ये गाड़ियों के ऊपर ही ये इन चीज़ से परफॉर्मेंस देखी जाती है, सो क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। अब जो सबसे अच्छी मेरे को यहाँ पे चीज़ लगी, एक तो आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी और दूसरा यहाँ की प्राइसिंग, जिसके लिए हम 10 जगह पे पहले रिसर्च करते हैं कि भाई यहाँ कितना प्राइस है वहाँ कितना प्राइस है और उसके बाद कोई जगह फाइनल करके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लगी, वैरायटी प्लस प्राइसिंग। तो प्राइसिंग भी हम इनको डिटेल में बताएंगे, स्पेसिफिकली इस कार की बताएंगे तो लोगों को आइडिया आ ही जाएगा। बट एक चीज़ मेरे को जानना है कि सेम चीज़ अगर मैं किसी दूसरी जगह पे करवाता हूँ, लेट्स से ABCD जो भी है नाम नहीं लेंगे, तो वो आपसे 20-30% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या आप कोई बेकार प्रोडक्ट यूज़ करते हो या वो कोई ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? एक्चुअली बात ये होती है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क इस चीज़ का होता है कि उन्होंने किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी अडॉप्ट की। आप अगर इस चीज़ को कस्टमर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जो अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर लें, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने दे हैव टू पे रॉयल्टी ऑल्सो, उनको रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है, अपना मार्जिन भी निकालना होता है, इवन कि किसी जिसको रेंट है रेंट पे होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उनको वो चीज़ें ऐड ऑन करते जाते हैं। हमारे केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली अपनी जगह पे हैं, मतलब सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं, हम जो चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं हमने उस चीज़ में बता दिया। हम बहुत जल्द अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, ये एक बहुत देखने को मिलेगा, जम्मू के अंदर एक ट्रेंड लेके आने वाले हैं बेसिकली, सो होप कि कस्टमर्स रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जम्मू के अंदर काफ़ी नई है, लोगों को इतना नहीं पता इसके बारे में, तो अगर ये कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं या इन्होंने कहा जैसे कि एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो होपफुली हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे, वो कैसा क्या रहेगा वो भी देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि ये तो चलो ठीक है, ये इस प्राइस ब्रैकेट में आती है, 10-15 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आती है, ये हैवी W8 वेरिएंट, ठीक है। अगर अब कोई गाड़ी है जो अंडर 10 लाख आ रही है तो क्या आप रिकमेंड करेंगे उन लोगों को करनी चाहिए या फिर उनके लिए पैसा वेस्ट है? उस चीज़ में दो केसेस बातें आ जाती हैं। पहली बात ये आती है कि शौक,
दूसरी बात यह थी कि आप उस गाड़ी की केयर कितनी करते हो। अगर आप अपनी गाड़ी को केयर करते हो, लेट अस सपोज कि हम i20 की बात कर लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ, कुछ लोग 10 लैक्स के नीचे ब्रैकेट वाली गाड़ी उठाते हैं। अगर लेट अस सपोज कि कोई गाड़ी वहाँ 10 लैक्स के नीचे वाली आ रही है, तो अगर वो उस गाड़ी की केयर करता है, उसको मतलब पैसा भी मेहनत से कमाया जाता है, तो जब वो उस गाड़ी की केयर करता होगा तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर दिस। अगेन गाड़ी की रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी, गाड़ी की प्रोटेक्शन रहेगी, गाड़ी का पेंट डैमेज नहीं होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने जो प्रोसेस था हमको समझा दिया, तो अब जो इस पूरे प्रोसेस को करने में जो कॉस्टिंग लगी है वो कितनी लगी है, और अब आपने कहा कि कुछ सर्विसेज आप इसमें फ्री देते हैं, वो जो फ्री सर्विस से हमको कब अवेल करनी होती है, पहले साल में, सेकंड ईयर में, वो कैसे अवेल करनी पड़ती है? जो हम 5 ईयर्स का पैकेज इस गाड़ी के ऊपर कस्टमर ने चूज़ किया है, 5 ईयर्स के पैकेट के अंदर आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगी, मैंने कि जैसे बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज कब अवेलेबल करानी होती है, ये कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर को हम ये पूरी नॉलेज देते हैं कि जब आप 1 से 1.5 साल बाद गाड़ी यूज़ करते हो, ऑटोमेटिकली गाड़ी के ऊपर जब वॉशिंग कराओगे, जिस भी मतलब जहाँ पे भी वॉशिंग कराओगे, तो वो जो कपड़ा यूज़ करेंगे उस कपड़े के कारण गाड़ी के ऊपर सोल मार्क्स आते हैं। सोल मार्क्स आने के बाद जब ऑफ रोडिंग के लिए कई बार बारिश के सीजन में उस चीज़ के कारण, कई बहुत सारे फैक्टर्स के कारण गाड़ी के ऊपर सोल मार्क्स आ जाते हैं। वैसे 1 से 1.5 साल बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ की सर्विस कराइए। इवन कि कोई अगर बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज करता है गाड़ी का, अगर लेट अस सपोज कि वो डेली अप डाउन कर रहा है, 60-70 किलोमीटर गाड़ी रोज़ अप डाउन कर रही है, सो उनको 8 से 9 महीने बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इस जो सेगमेंट की बात कर ली जाए, तो कॉस्टिंग क्या रहने वाली है? अब ब्रांड न्यू गाड़ी की बात कर लो या कोई थोड़ी पुरानी गाड़ी आती है, तो इन सब की कॉस्टिंग क्या रहेगी, कौन से प्राइस ब्रैकेट में ये आती है? कॉस्टिंग की बात की जाए तो वैसे गाड़ी की कंडीशन देख के हम ये बता सकते हैं कि किस की किसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी। और अगर इस गाड़ी की बात करें, ये स्टार्ट हो जाती है 20,000 से। 20,000 से स्टार्ट होने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है विच पैकेज डू यू अडॉप्ट। जिस भी पैकेज को आप अडॉप्ट करोगे, उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग वेरी करेगी। मतलब 25 से स्टार्ट हो जाएगी, 20 से स्टार्ट होने के बाद ये 40,000 तक जाती है। 3, 5 and 7 ईयर्स का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अभी मैं गाड़ी को बाहर लेके आ गया है सनलाइट में, तो यहाँ पे इसमें मड वाटर स्प्लैश टेस्ट करने वाले, हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। यहाँ पे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट है एक, और दूसरे साइड पे एक और गाड़ी है, तो ये अनफिनिश टेस्ट पे कोई भी काम नहीं किया हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या देखने को मिलेंगे हमको। स्टार्ट करते हैं XUV300 से। सबसे पहले अभी हम विंडशील्ड पे पानी डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, पानी सारा नीचे आ रहा है, कुछ भी रुक नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा मिट्टी वाला पानी है। बोनेट पे भी मैंने 2-3 बार पानी डलवा दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये फ्रिक्शन नहीं बना पा रहा है इसमें, जो ऊपर से कोटिंग करी है तो वहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। बस थोड़े से ड्रॉपलेट्स आपको दिख जाएंगे, वो भी आप गाड़ी चलाओगे तो निकल जाएंगे। अब मैं हाथ लगाता हूँ बोनेट पे, तो ये बिल्कुल ड्राई हाथ मेरा है, कोई भी पानी नहीं है इस पे। अब सेम चीज़ हम दूसरी गाड़ी पे टेस्ट करते हैं, तो यहाँ भी हम पानी डाल रहे हैं। आपको मिट्टी और पानी दोनों रुका हुआ मिल जाएगा, मिट्टी भी आपको देखने को मिल रही है इसमें और पानी भी। इसे भी हाथ लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे पानी मिट्टी दोनों रुका हुआ है, और इस मिट्टी की वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवर द टाइम ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी साइड आपको दिख रहा है, इसके बोनेट पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। अब दोनों के ऊपर हम क्लीन वाटर डालते हैं, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। शीशा तो इसका ऑलरेडी साफ था, कुछ भी नहीं था। अभी बोनेट पे भी मारे हैं, तो देखो यहाँ पे सारा जो भी आपको ड्रॉपलेट्स थे मिट्टी के, वो पूरे नीचे आएंगे, तो मतलब बॉन्डिंग नहीं बना पाता ये सेरेमिक कोटिंग के ऊपर, और पानी है और जो मिट्टी है वो नीचे गिर जाती है। अब दूसरी गाड़ी पे मैंने थोड़ा ज़ोर से पानी डालने को कहा, क्योंकि इस पे मिट्टी रुकी हुई थी, तो मेरे को लगा चलो हो सकता है निकल जाए, बट आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। पानी ज़्यादा ज़ोर से डालने से भी कुछ डिफरेंसेस मिले नहीं, यहाँ पे आपको फिर भी मिट्टी दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी जल्दी गंदी होती है, आपको ज़्यादा वॉश करानी पड़ती है, जितनी वॉश कराओगे उतना यहाँ पे इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो सेरेमिक कोटिंग कराने का ये अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको गाड़ी वॉश भी जल्दी नहीं करानी पड़ेगी। तो ये था एक टेस्ट और रिजल्ट आपके सामने, आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है ये। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो या कोई नियर बाय एरिया से हो, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हो। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। ट्राई किया कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाए, गाड़ी के एक्सटीरियर्स, गाड़ी के अलॉय व्हील्स, इंटीरियर्स में जो जो पार्ट आते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में या कुछ और, तो वो सब भी यहाँ पे कवर अप हो जाता है इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, चैनल की सपोर्ट के लिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।